छत्तीसगढ़ सर्व सेन समाज संगठन के बैनर तले प्रदेश स्तरीय सेन महिला मंडल का गठन किया गया। पत्रकार वार्ता में महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा मोना सेन ने समाज की उपयोगिता और राज्य सरकार की अनदेखी पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ सर्व सेन समाज संगठन के बैनर तले गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सेन, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष मोना सेन ने पत्रकार वार्ता में सेन समाज की उपयोगिता और राज्य सरकार द्वारा सेन समाज की उपेक्षा किए जाने को लेकर चर्चा की। गौरतलब है कि इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय सेन महिला मंडल का गठन के पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया, जिनमें प्रदेश संरक्षक पुष्पा उमरे को, दुर्ग प्रदेश अध्यक्ष मोना सेन को, रायपुर सहित अन्य सेन महिला समाज की महिलाओं को पदाधिकारी नियुक्त किया गया। चर्चा के दौरान सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष विनोद से और महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोना सेन ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सेन समाज के लगभग 7 लाख परिवार व 14 से 18 लाख लोग हैं, जिसका राज्य सरकार अनदेखी कर सरकार की ओर से किए गए घोषणा के बाद भी अब तक कोई सहायता नहीं मिली, न ही कोई शिल्प बोर्ड का गठन किया गया और न ही सेन समाज के लोगों के रोजगार की चिंता की गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विनोद सेन ने बताया कि सेन समाज के द्वारा सरकार से मांग की गई है कि पत्तल दोना बनाने अधिकार दिया जाए। वहीं महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा मोना सेन ने बताया कि सेन समाज के विकास को लेकर अभी पूरे प्रदेश भर में जाकर संगठन के बैनर तले महिला अध्यक्ष बनाने की कवायद जारी है। वहीं आगे जाकर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर देकर समाज के हित में बेहतर कार्य किया जा सकेगा। इस संबंध में न्यूज टीम को महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोना सेन और सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सेन व प्रदेश के संरक्षक महिला प्रकोष्ठ की पुष्पा उमरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैंने पूरे प्रदेश पे संगठन बनाया है महिलाओं का, हर जिले में गठन हो चुका है, प्रदेश पदाधिकारियों का भी मैंने गठन कर लिया है। आज दुर्ग जिला के दुर्ग प्रभारी और हमारे संरक्षक महोदय और हमारे उप कोषाध्यक्ष, इनका मैंने आज गठन किया है, तो आज उसी के लिए हम लोग दुर्ग इंडियन कॉफी हाउस में ये कार्यक्रम रखे। अभी तक तो बहुत अच्छी है, इन 15 सालों के जब से मैं, मेरा ये तीसरी बार है मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गई। मैं आदरणीय भूपेंद्र शंकर सिंह के समय भी प्रदेश अध्यक्ष रही, विलोक श्रीवास जी के समय भी प्रदेश अध्यक्ष रही, अभी विनोद सेन जी के समय भी मैं प्रदेश अध्यक्ष रही। तो जब से मैं बनी हूँ तब से महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी वो अब घर से बाहर निकलने लगी हैं और हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। तो हमारा आगे यही है कि सेन समाज की महिलाओं को लोग पिछड़ा कहते हैं, उसको पिछड़ा ना कहें, हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। शुरू से सर भागीदारी हमारी है। अभी हम लोगों ने कोरोना काल में हमारी महिला टीम ने पूरे जितनी भी अदर कास्ट के लोग भी जो पीड़ित थे, जिनके हस्बैंड खत्म हो गए थे, उनको हम लोगों ने पूरा सहयोग राशि दिया है और एक नियम भी बनाया है कि हम लोग एक कोष बनाए हैं सर, जिसमें महिलाओं के द्वारा पैसा जमा किया जाता है, जो गरीब महिलाएं हैं उनकी हम लोग मदद करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जो जिनको पैसे की कमी है, कोचिंग की कमी है, उसको हम लोग महिला टीम सभी एक दूसरे का सहयोग करके उनका सहयोग करें। काम कर रही है, समाज अपना काम कर रहा है, समाज को जागृत करने के लिए हमें चुना गया है और हम समाज के अंतिम छोर तक, समाज के लोगों तक जा रहे हैं। आज जैसे कि अभी आपने देखा कि महिला प्रकोष्ठ का गठन प्रदेश में सुश्री मोना सेन जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, वे भी लगातार सभी जिलों का दौरा कर रही हैं, हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। वैसे ही हमारी कमेटी के सभी जो हमारे साथ में मिल करके समाज के उत्थान के लिए हर वह प्रयास कर रहे हैं जिससे समाज आगे आए और राजनीतिक से लेकर के हर क्षेत्र में समाज के लोग अच्छा हिस्सेदारी निभाएंगे, यह कामना करके हम लोग समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जी हाँ, समाज का उपेक्षा का बात इसलिए है क्योंकि हम समाज की तरफ से कई बार सरकार से मांग कर चुके हैं कि हमारे समाज की पीड़ा है, जैसे कि हमारे लोग गांव गवाई में काम करते हैं, उनको मेहनत के बदले में अनाज मिलता है, उस अनाज को सरकार समर्थन मूल्य में खरीदे, यह मांग हमने रखा पर सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। उसके साथ साथ दोना पत्तल जो हमारा विशेष व्यवसाय रहा है सेन समाज का, उसको बनाने के लिए भी हमने सरकार के पास में मांग रखा कि इसको दे दिया जाए तो हमारा 5 लाख परिवार को रोजगार मिल सकता है। उस पर जबकि डिस्पोजल पानी पहुँच ये सब बंद करने का आया है, तो डिस्पोजल और प्लास्टिक के बर्तन जब बंद हो रही है तो दोना पत्तल बहुत अच्छा ऑप्शन है और दोना पत्तल का काम हम लोग करते थे जिससे
समाज को भी फायदा होता था, अन्य समाज को भी फायदा होता था। दोना पत्तल गाय भी खा जाती थी तब भी उसका आहार बनता था, और खेत में जाती है तो खाद बनता था। और ऐसा व्यवसाय हमारा, सुंदर व्यवसाय हमारा था, उसको भी आज अन्य लोग छीन लिए हैं। तो हम तो सरकार से गुजारिश करते हैं कि सरकार उसे हमें पुनः दे, और जो नए समाज के द्वारा दोना पत्तल बना के आएगा वही बाजार में बिके। आने वाले समय को प्रत्याशी बनाया जाए? बिल्कुल, हमारे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हमारे समाज के बड़े चेहरा हैं, जिनको हम चाहेंगे कि इस बार विधानसभा में दोनों पार्टियां प्रतिनिधित्व का अवसर देवे। जैसे कि हमारे यहाँ दुर्ग जिले में दो धाकड़ लोग हैं, हमारे नंद कुमार सेन जी हैं, हमारे रिकेश सेन जी हैं, बीजेपी से कांग्रेस से नंद कुमार सेन जी हैं, वैसे ही बिलासपुर में त्रिलोक चंद श्रीवास जी हैं और गौरीशंकर जी हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमारी महिला टीम से जो सशक्त है, हमारी पूर्व केस शिल्पी बोर्ड की चेयरमैन भी रह चुकी हैं और हमारे महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है प्रदेश की, सुश्री मोना सेन जी, उनको किसी का नाम का मोहताज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि उनको टिकट दे सरकार और पूरा समाज मिल करके उनको साथ देगा, और हम जीत करके दिखाएंगे जिस विधानसभा से भी उनको टिकट मिलता है। तो समाज की संरक्षण के पत्ते अभी तक तो जो भी सामाजिक कार्यक्रम है उसमें मैं इनको सहयोग देती आ रही हूँ। मैं ये चाहूँगी कि हमारी जो महिलाएं समाज के लिए जो भी कार्य करेंगी हमेशा मैं उनके साथ खड़ी होंगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।